ये हल्की हल्की बारिश पड़ रही है तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मिला दिया जाए लड्डू गोपाल को, और यहाँ पर भी बैठे हैं लड्डू गोपाल। तो चलो आज का व्लॉग मैंने बारिश से स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा लगता है बारिश में, इतना अच्छा लगता है। और कैमरा भी भीग रहा है फ़ोन का, मैंने कुछ सोचा चलो कोई बात नहीं भीग रहा है भीग ले दो, थोड़ा इन्जॉय कर लिया जाए बारिश में। और ये देखिए यहाँ पर ये छाता लेकर आई थी आराध्या, ये देखो आराध्या कांगे इग्नोर करना, और बारिश आ रही थी तो मैंने इसको हराया। सही है, देखिए आराध्या का देखिए छाता लेकर आई थी छत पर, तो मैंने दिखा दिया इसको। और देखो लड्डू गोपाल को छाते में देखो कहने लगी मम्मी ठंड लगने लगी होगी, देखो बोलने लगी आराध्या कि मम्मी ठंड लगने लगी होगी लड्डू गोपाल को। और ये पता रोशनी नहीं आ रही, तो चलो चलते हैं बस, कभी कैमरे पे ज़्यादा पानी आ जाए तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और देखिए यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को अपने हाथ में उठा लिया था, इनकी जिसमें ये रख रखे थे, मैंने कहा जिसे अच्छे से पानी इन पर डल सके। और ये देखो दोनों लड्डू गोपाल बैठे हैं, एक लड्डू गोपाल का नाम जो ये बड़े वाले हैं इनका नाम लड्डू है, और ये छोटे वाले जो हैं इनका नाम कान्हा है। और शालिग्राम जी भी बैठे हैं, हम इनको साथ में ही रखते हैं। तो चलो अब मैं उसको वहाँ पर रख दूँगी और आराम से बैठ कर नहाएँगे 10-15 मिनट तक। और ये देखिए, और मैं भी नहा रही थी, मेरी बेटी भी नहाती थी, सुबह नहा ली थी मैं, लेकिन भगवान जी को नहलाना था ना तो बस दोबारा बस इस चक्कर में नहाना हो गया। और ये देखिए आराध्या भी खड़ी है इनके ठाकुर जी के पास में, और ये भी आ गई थी। बस बच्चे तो बारिश से निकलते नहीं, और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा था, चारों तरफ से बादल बादल उड़ते और अच्छी हवा चल रही थी और बिल्कुल काला हो रहा था। और ये देखिए सामने प्लांट हैं, और मैंने ये जो प्लांट है ना सारे मतलब बेकार सी चीज़ों में लगा रखे हैं, क्योंकि गमले ना बंदर नहीं छोड़ते हैं हमारे यहाँ, गिरा देते हैं तोड़ देते हैं। और ये देखिए लड्डू गोपाल हैं, हम इनको नीचे लेकर जाएंगे और इनको स्नान कराऊंगी गंगा जल से और जल से, तो अब मैं इनको थोड़ी देर में नीचे लेके जाऊंगी। और देखो बारिश में इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें इनको बहुत अच्छा लगता है जब हम बारिश में होते हैं, और ये भी बारिश का आनंद ले रहे हैं। नहीं हो रही है बारिश में, दोनों बैठे हुए इसमें, तो ये तो बस हमारे भाव हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ से देखिए, और ये देखिए जो प्लांट हैं ये मैंने लगा रखे हैं ना, तो सब वेस्ट चीज़ों में लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ गमले जो हमारे घर में बॉटल होती है डब्बे और देखने और मन प्लांट देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये, इसको मैंने बारिश में रख दिया था। और अब मैं छत से नीचे आ गई थी तो मैं लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, अब इनको यहाँ पर मैं नहला दिया, देखो शालिग्राम जी को भी नहला दिया है मैंने, तो अब इनको मैं कपड़े से साफ़ करूँगी, पोंछ दूँगी जो गीला पानी है इनका। और ये देखिए मैंने इनको पोंछ कर इसमें बैठा दिया है, पालने में बैठाऊँगी दोनों को मैं, और मैं इनका श्रृंगार करूँगी फिर थोड़ा सा, तो श्रृंगार नहीं दिखाऊँगी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया था कि किस तरह से मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। और देखो उनको भी मैंने बैठा दिया है, तो अब मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी नहलाने के बाद में, देखो ठाकुर जी को भोग लगा दिया है और इन्हें बैठा दिया है। और ये हम इनको बस ऊपर ही बैठाए रखते हैं क्योंकि मंदिर छोटा है, फिर वहाँ गर्मी भी लगती होगी इनको, तो हम इनको यहीं पर बैठाए रखते हैं। और देखो न्यू गिलासी हैं ये, और ये गिलासी मेरी बेटी कल लेकर आई थी, तो आज हमने इनको मैंने जल दिया है पीने के लिए, तो देखो बताना आप सबको कैसे लग रहे हैं ये गिलासी। और ये आम का भोग लगाया है मैंने, और देखिए यहाँ पर मैं इनको अपने हाथ से खिला रही थी, तो हम इनको खिलाने वाले कौन होते हैं, ये तो हमारे भाव होते हैं कि हम इनके लिए कितना कर सकते हैं कितना ही नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया को खिलाते हैं, इनको कौन खिला सकता है, बस ये तो हमारे भाव हैं। और ये देखिए, तो हमें जितना हो सके थोड़ा बहुत टाइम भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि काम तो पूरी ज़िंदगी लग जाते हैं, काम तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं। और ये देखिए शाम के टाइम मैंने ना अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, और ये गीली सब्ज़ी बनाई थी, तो मुझे दोनों तरह की अरबी बनानी पड़ती है, सूखी भी गीली भी, क्योंकि बच्चों को तो गीली सब्ज़ी अच्छी मतलब गीली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है ना रस्से की थोड़ी सी, तो सूखी भी बनानी पड़ती है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सूखी अरबी बना कर रख ली थी, और थोड़ी सी मैंने रस्से वाली अरबी बना ली थी, जिसको जो खानी है खा लेगा, वरना बच्चे लड़ाई करते हैं मम्मी आपने रस्से की सब्ज़ी बना ली सूखी नहीं बनाई, तो मैंने दोनों तरह की अरबी बना दी थी। और ये देखिए बस
बस रात में किचन, बस किचन फैल रही थी। और ये देखिए मैं रोटी सेकने जा रही थी, बस लहसुन की सब्जी बनाकर, तो ये देखिए बस रोटी सेकने की तैयारी हो रही थी मेरी। तो मैंने सोचा चलो बस आपके साथ सेक लूँ। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलो सबको राधे राधे।